तो आज की क्लास में हम एमएफसी के बारे में देख रहे हैं। एमएफसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी। एक प्रकार की लाइब्रेरी है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है। इसको बनाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए ये एमएफसी लाइब्रेरी है तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं जो इन सभी का यूज़ करते हैं। क्लियर। मान लीजिए मैंने 3 एप्लीकेशन बनाया और 3 एप्लीकेशन में ये हिस्सा यूज हुआ है, ये हिस्सा जो है तीनों एप्लीकेशन में यूज हुआ है। तो जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं उसमें इन तीनों को यहाँ से लिंक कर दिया जाता है। तो हमारा जो कोड है वो बार बार नहीं करना पड़ता, मेमोरी बचती है और सारी चीज़ें बचती है। ये तीनों जो काम करते हैं उनके लिए एमएफसी प्रोवाइड कर दिया जाता है। इससे एप्लीकेशन का जो लोड है वो कम हो जाता है, एप्लीकेशन में कोड कम करना पड़ता है, पहले से बनाए बनाए चीज़ें, और ये शेयरेबल होती हैं, इन तीनों के बीच में शेयर होती हैं। ये सेम उसी तरीके से हो रहा है, इनकी वर्किंग जो उसी तरीके से हो रही है, सेम जैसे कोई अपनी कोई कंटेंट जो है वो 3 के बीच में शेयर हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं और तीनों को नोटिस देना है, तो 3 पेज प्रिंट आउट करके एक एक इनको देने से इनके पास लोड भी बढ़ेगा, और ज़्यादा अच्छा है कि एक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा दें और सब लोग इसको शेयर कर लें या उसको पढ़ लें। तो ये जो है कॉमन तरीका होता है एमएफसी बनाने से, फ़ायदा ये होता है। तो एमएफसी जो होती है अलग अलग वर्जन में भी आती है। पुराने वर्जन की जो एमएफसी है उसमें कम फंक्शंस होते हैं, नए वर्जन की जो एमएफसी है उसमें थोड़े ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एमएफसी भी अपडेट होते रहती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने एमएफसी के बारे में जाना। तो चलिए इसको थ्योरी क्लास में हम देखते हैं कि एमएफसी क्या होती है, इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एमएफसी का थ्योरी अगर हम देखें तो एमएफसी का जो पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी है, और ये फंक्शंस के सेट को प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस देता है ताकि हम अपने काम को फटाफट कर सकें। क्लियर है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी बहुत सारे कॉमन फंक्शंस का एक कलेक्शन है जो दूसरे एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट और भी होता है, उनकी वेट कम करता है, लाइट वेट बनाता है एप्लीकेशंस को, और उनको एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये एमएफसी जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के लिए हेल्पफुल है। और विजुअल बेसिक जो है, विजुअल बेसिक और VC++ के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत हेल्पफुल होता है, और ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क भी होता है। आपको जैसे फ्रेमवर्क के बारे में पता होगा, द माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास लाइब्रेरी इज एन फ्रेमवर्क फॉर प्रोग्रामिंग इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज की प्रोग्रामिंग के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, यानी कि पुरानी लैंग्वेजेस जो कमांड यूजर इंटरफेस पे चलती थी, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसे आप विंडोज के मतलब जो पुरानी लैंग्वेजेस में कोड करके विंडोज की प्रोग्रामिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो किसी विंडोज को मैनेज करने के लिए, विंडो मतलब जो ऐसे पॉपअप होता है, कोई फॉर्म ओपन होता है उसको विंडो कहा जा रहा है, मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्सेस को, इनपुट एंड आउटपुट को, और बाकी सारे कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए यूज किया, जैसे सारे कंट्रोल जो विजुअल बेसिक में मिलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये सारी चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं C++ के कोड से, यानी कि सी और C++ के कोड को लिख करके हम मेन्यू बना सकते हैं, मैसेज बॉक्स बना सकते हैं, इनपुट बॉक्स बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, लेबल बना सकते हैं। ऐसा हम तभी कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एमएफसी हमारे पास उपलब्ध है। अब एमएफसी का जो फ्रेमवर्क है, एमएफसी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके फ्रेमवर्क को हम समझते हैं। एमएफसी का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें कई फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी आपको मिलती है, यानी क्लासेस की डिजाइन पहले से की गई है और उनकी आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म बना रहता है पहले से
और उस फॉर्म की कॉपी करके आप फॉर्म बना सकते हैं, मेन्यू बना रहता है उसकी कॉपी करके आप मेन्यू बना सकते हैं, और आप उनमें सारे बेसिक ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रिंग का जो सेट होता है स्ट्रिंग एरे उसको हैंडल कर सकते हैं, फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, और ये सारे थ्योरी पॉइंट्स हैं जो आपको एमएफसी के बारे में लिखने होंगे जब एग्जाम में आएंगे। तो एमएफसी का जो एडवांटेज है उनको पॉइंट वाइज में लिखें कि एमएफसी में क्यों यूज़ करते हैं या क्या फ़ायदे हैं एमएफसी के। तो उसके कुछ एडवांटेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेवलपमेंट टाइम को बचाता है, यानी कि अगर मैं किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहा हूँ तो एमएफसी यूज़ करूँगा तो मेरा प्रोग्राम जल्दी डेवलप हो जाएगा, कम लाइन के कोड में बड़ा बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि पहले से वो काम किया हुआ है, मैं उसको यूज़ कर लूँगा। जैसे ये सेम उसी तरीके से है जैसे मैगी में मसाला पहले से बना रहता है और डालते साथ ही वो मैगी रेडी हो जाती है, हमको उनको पूरी तरीके से रेडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोड को पोर्टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि बहुत आसानी से पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके सारे कंप्यूटर में एमएफसी है तो आपका प्रोग्राम बहुत छोटे साइज़ का होगा और एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी आप पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट करके उसको चला सकते हैं, यानी सीधा फाइल्स को कॉपी पेस्ट किए और वहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसा सेटअप वगैरह ले जाने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी अगर दोनों में एमएफसी डाला हुआ है, क्योंकि बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो एमएफसी के अंदर पहले से इनबिल्ट रहेगी और उसी की हेल्प से वो चलेगा, केवल कॉलिंग होगी फंक्शन की। क्लियर है? प्रोग्राम लाइटवेट बनेगा तो प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्रामिंग भी रिड्यूस होगा, फ्लेक्सीबिलिटी मिलेगी आपको, यानी प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे पहले से बनी बनाई चीज़ें हमारे पास है, केवल उनको जोड़ के असेंबल करना है, हमको पूरी चीज़ फिर से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हार्ड टू प्रोग्राम जो आपको दिया हुआ है ये भी सेम उसी चीज़ के लिए दिया हुआ है कि आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी, मतलब कुल मिला के एमएफसी का यूज़ करने से फ़ायदा यही होता है, बेसिकली तीन ही फायदा है। प्रोग्रामिंग जो है बहुत आसान हो जाती है, प्रोग्रामिंग आसान होगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि कोड कम करना पड़ेगा, कोड कम करना पड़ेगा तो निश्चित सी बात है समय पैसा सब कुछ बचेगा, मेमोरी बचेगी, कम लाइन का कोड होगा, प्रोग्राम छोटा बनेगा, प्रोग्राम फास्ट वर्क करेगा, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एमएफसी का यूज़ करने से आपको डेटाबेस एक्सेस सपोर्ट की लाइब्रेरीज भी मिल जाती है जैसे ODBC DAO, और आप आसानी से डेटाबेस के साथ है भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एमएफसी के द्वारा। अब एमएफसी का जो फ्रेमवर्क है उसकी माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर एमएफसी के फ्रेमवर्क उपलब्ध हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ लिंक्स भी आपको मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट या विजुअल स्टूडियो जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एमएफसी भी डाउनलोड हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर आप देखते हैं विजुअल बेसिक में या इसमें, वो एमएफसी का ही पार्ट होता है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का कोई भी पैकेज आप डाउनलोड करिए तो उसमें एमएफसी पहले से इनबिल्ट है। माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो के बहुत सारे वर्जन उपलब्ध हैं मार्केट में, 6.0 से लेकर के अभी लेटेस्ट में 2013 जो है विजुअल स्टूडियो का वर्जन चल रहा है।